हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और मेरी पढ़ाई हुई जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से घर में प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही है कि आज मैं आपके सामने क्लास टेंथ का अगला जो भी क्वेश्चन है, अगले जो भी क्वेश्चन है मैं वो लेकर आया हूँ। साथ में मैंने पिछली वीडियो में आपको लगभग 12 नंबर क्वेश्चन तक बताया था, समझाया था, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया था। तो आज मैं बात करता हूँ एक्सरसाइज 10 के 13 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करूँगा और बारी बारी से एक एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, एक्सरसाइज आपकी है कौन सी, 10। ओके, एक्सरसाइज 10 का जैसा कि यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, क्या है मैं बता दे रहा हूँ। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ sec theta equals to 5/4, ओके, शो दैट, आपको शो करना है, शो दैट sin theta माइनस का 2 cos theta अपॉन tan theta माइनस का कॉट थीटा। तो ये हमारे सामने है, मुझे इसके इक्वल्स में प्रूव करना है क्या, 12/7। ओके, तो फटाफट आ जाइए कि तरीका क्या है, कैसे करेंगे इसको सॉल्व, फटाफट देख लीजिए। फिर से वही फंडा, क्या कि मैंने आपको बताया था क्या बताया था कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। अब करना क्या है यहाँ पे, वही हम लोगों को सबसे पहले sec दिया गया है, तो sec थीटा इक्वल्स टू 5/4 दिया गया है। sec cos का उल्टा होता है यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो ये आपका हाइपोटेनस अपॉन बेस दिया गया है। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ये वैल्यू पुट अप करेंगे इसमें। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, ये हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। हाइपोटेनस कितना दिया गया आपका 5। ठीक है, बेस कितना दिया गया आपका 4। परपेंडिकुलर निकालना है, तो ये निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, सिंपल सा पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर। ओके, तो हाइपोटेनस आपका कितना है 5 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारा नहीं दिया गया है, प्लस बेस कितना है आपका 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर ले, 525 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे 5 का, और फिर पी स्क्वायर प्लस का 16, इधर ले लो, 25 माइनस का 16 इक्वल्स टू पी स्क्वायर, माइनस कर दो तो 9 आ जाएगा इक्वल्स टू पी स्क्वायर, पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3। ठीक है, P क्या हो जाएगा आपका 3 निकल गया है, परपेंडिकुलर आपका 3 होगा। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, ये जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें जो वैल्यू दी गई है, साइन कॉस टेन कॉट, ये सारी की सारी वैल्यूज़ निकाल लें इनकी। ठीक है, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर आपका जैसा कि निकल आया है, परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेनस कितना है 5 है, तो साइन थीटा की वैल्यू होगी। साइन के बाद कॉस थीटा की वैल्यू निकालिए, कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है आपका 4, हाइपोटेनस कितना है 5, टेन निकालना है मुझे, टेन, ठीक है, टेन निकालना है, तो टेन की जो वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपका मैंने अभी निकाला है 3 है, और बेस आपका कितना है 4, 3/4 हो जाएगा। उसके बाद कॉट भी निकालना है, कॉट निकाल लेते हैं हम लोग, कॉमा करके कॉट भी निकाल लीजिए, कॉट थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, कॉट थीटा जस्ट टेन का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, टेन का उल्टा यानी 4/3, मैं बता चुका हूँ कि कॉट आपका उल्टा होता है। आगे चलते हैं हम लोग, LHS लिख लीजिए, LHS, ठीक है, फिर उसके बाद साइन थीटा माइनस का 2 कॉस थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस का कॉट थीटा। साइन कितना है आपका, साइन थीटा है आपका 3/5,
थ्री बाई फाइव साइन थीटा आपका थ्री बाई फाइव माइनस का टू कॉस, कॉस की वैल्यू है फोर बाई फाइव, ठीक है। टेन की वैल्यू है थ्री बाई फोर, माइनस कॉट की वैल्यू है फोर बाई थ्री, फोर बाई थ्री। ऊपर वाले को कैलकुलेट करिए, नीचे वाले को करिए। तो ऊपर वाले को देखिए थ्री बाई फाइव ऑलरेडी लिखा हुआ है, माइनस का फोर टू जो एट हो जाएगा, एट बाई फाइव हो जाएगा अपॉन में, इसमें एलसीएम ले लेंगे ट्वेल्व हो जाएगा, फोर थ्री जा ट्वेल्व थ्री आया, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री फोर जा ट्वेल्व फोर आया, फोर फोर जा सिक्सटीन। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए आगे, आगे क्या हो जाएगा देखिए, ऊपर वाले में भी एलसीएम ले लेंगे ऐसे ही, हमारा क्या हो जाएगा फाइव, क्या हो जाएगा इधर थ्री माइनस का एट अपॉन, इसको माइनस कर दीजिए, माइनस करने पर कितना आएगा सिक्सटीन में से नाइन जाएगा तो सेवन आएगा, वो भी माइनस का क्योंकि सिक्सटीन बड़ा है आपका, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, इसको कैलकुलेट करिए कितना हो जाएगा, फाइव थ्री एट होता है, पाँच तीन आठ होता है, माइनस का फाइव अपॉन प्लस का फाइव अपॉन माइनस का सेवन और इसके अपॉन में ट्वेल्व। पहली बात तो माइनस से माइनस कट गया और फाइव से फाइव कट जाएगा, ये वाला हिस्सा यहाँ आता है और ये ऊपर जाता है, ठीक है। तो कितना निकल गया आपका ट्वेल्व बाई सेवन, जो कि आपका आरएचएस में पूछा गया था, ठीक है। फोर्टीन दिया गया है, इफ कॉट थीटा इक्वल्स टू थ्री बाई फोर और शो दैट sec थीटा माइनस का cos sec थीटा, ओके। फिर इसके बाद दिया है sec थीटा प्लस का cos sec थीटा, ये प्रूफ करना है आपका कितना वन बाई सेवन अंडर रूट का, ठीक है, अंडर रूट का, ओके। तो करते हैं, देखते क्या होता है। सबसे पहले वही तरीका, कॉट थीटा पहले देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है हमारा, किसके इक्वल में लिखा हुआ है, थ्री बाई फोर। कॉट आपका होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। बेस कितना दिया है आपका थ्री, परपेंडिकुलर कितना दिया है फोर। हाइपोटेनस निकाल लो, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना होता है, पर हाइपोटेनस आपका नहीं दिया हुआ, बेस परपेंडिकुलर कितना दिया गया है फोर, बेस कितना दिया गया है आपका थ्री, ठीक है। फिर इसके बाद हाइपोटेनस का स्क्वायर फोर फोर जा सिक्सटीन, थ्री थ्री जा नाइन, ऐड कर लीजिए कितना हो जाएगा ट्वेंटी फाइव। वैल्यू निकाल लीजिए, हाइपोटेनस कितना आ जाएगा आपका अंडर रूट का ट्वेंटी फाइव, वैल्यू कितनी आ जाएगी फाइव, ठीक है। हाइपोटेनस आपका कितना आ गया फाइव। फिर एलएचएस उठाइए फटाफट से, रखते जाइए वही तरीका। फिर क्या, एलएचएस उठाया मैंने, सेक थीटा माइनस का कॉसेक थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस का कॉसेक थीटा। एक चीज़ और, सेक और कॉसेक की वैल्यू भी तो निकाल लीजिए, सेक थीटा की वैल्यू निकालिए, सेक कितना हो जाएगा आपका, सेक मैंने बताया था कॉस का उल्टा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस कितना है हमारा, हाइपोटेनस अभी मैंने निकाला है ये फाइव, बेस कितना है बेस, बेस आपका थ्री है। कॉसेक निकाल लीजिए, कॉसेक, कॉसेक आपका हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, हाइपोटेनस कॉसेक थीटा आपका हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना दिया गया है फोर। ये दोनों वैल्यू उठा के यहाँ पे रखेंगे तो आंसर हमारा आ जाना चाहिए। यहाँ पर रखिए फाइव बाई थ्री माइनस का फाइव बाई फोर, ओके। थोड़ा सा अंडर रूट और बड़ा कर दे रहे हैं, नीचे वाली वैल्यू भी यही रखनी है सेम, बस बीच में प्लस लगाना है, प्लस का फाइव बाई फोर। ऊपर एलसीएम लीजिए, नीचे एलसीएम लीजिए, कैलकुलेट करिए, ठीक है। क्या करना है, इन दोनों में भी एलसीएम ट्वेल्व हो जाएगा,
थ्री फोर जा ट्वेल्व, फोर फाइव जा ट्वेंटी, फोर थ्री जा ट्वेल्व, थ्री आया, थ्री फाइव जा फिफ्टीन अपॉन ट्वेल्व, फोर थ्री जा ट्वेल्व हो जाएगा, ठीक है। और वही चीज़ आएगी सेम, क्या ट्वेंटी, ट्वेंटी प्लस का फिफ्टीन, ट्वेल्व से ट्वेल्व तो कट ही गया है, ठीक है। अब देखिए क्या बचेगा, यहाँ पे ऊपर ट्वेंटी में से फिफ्टीन जाएगा तो फाइव बचेगा अंडर रूट में, फाइव अपॉन, नीचे क्या बचेगा थर्टी फाइव हो जाएगा। अब देखिए फाइव से कटेगा, फाइव सेवन जा, देखिए देखिए फाइव से कटेगा, फाइव सेवन जा थर्टी फाइव, ठीक है। कितना हो जाएगा वन बाई सेवन, और इसको रूट को अलग अलग डिवाइड कर दे। अगर देखो जैसे कल मैंने, यानी पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि अगर स्क्वायरिंग करनी हो किसी दो प्रोडक्ट की, किसी दो नंबर के प्रोडक्ट की, तो स्क्वायरिंग दोनों में अलग अलग ऐसे चढ़ जाती है। अगर किन्हीं दो डिवाइड वाले नंबर की स्क्वायरिंग करनी हो तो उसमें भी स्क्वायर अलग अलग आ जाता है, स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो उसी हिसाब से आपका अंडर रूट भी होता है कि अंडर रूट करना होगा तो अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी, ये भी उसमें आ जाएगा अलग अलग, ठीक है। तो ये चीज़ होती है आपकी। तो मुझे करना क्या है इसमें, ये वन अपॉन अंडर रूट सेवन, वन का अंडर रूट हो जाएगा वन, और फिर अंडर रूट सेवन आपका, ये फाइनली आरएचएस निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका 14 नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही अच्छा था, तो मैंने आपको बताया, आई होप समझ में आएगा, ठीक है। आगे चलते हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। चलते हैं 15 में, इफ साइन थीटा इक्वल्स टू लिखा हुआ है 3/4, शो दैट आपको दिखाना है क्या अंडर रूट का कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस का वन अंडर रूट सेवन बाई थ्री, ठीक है। तो करना क्या हम लोग को, इसको कैलकुलेट करना, सबसे पहले वही सीधा सीधा क्या साइन थीटा इक्वल टू, सबसे पहले देखो होता क्या है, साइन थीटा इक्वल टू 3/4 लिखा हुआ, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं हम लोग फटाफट से, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर आपका 3 है, हाइपोटेनस कितना है 4 है, 3 आपका परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस 4 है आपका। निकालना क्या है मुझे, बेस निकालना है, फॉर्मूला लगाओ हाइपोटेनस का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनस पता है आपको 4 है, स्क्वायर कर दो, परपेंडिकुलर पता है, परपेंडिकुलर देखिए पता है आपको, तो 3 का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर, ओके। 4 का स्क्वायर होता है 16 इक्वल्स टू हो जाएगा 9 प्लस का बी, यानी बी एस का स्क्वायर। अब ये 9 जो है, 9 को इधर लाके माइनस करेंगे, 16 में से 9 माइनस जाएगा, बेस निकल के आएगा, कितना हो जाएगा 7, 9 7 16 होता है, बेस निकल के आया, स्क्वायर इधर कर देंगे तो स्क्वायर ये अंडर रूट हो जाएगा बेस, ठीक है। बेस निकल के आया अंडर रूट का 7, तो चलते हम लोग ये वैल्यू में, ठीक है। कॉसेक थीटा निकाल लें, कॉसेक थीटा की बात करी जाए तो कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो ये वैल्यू पलट देंगे हम लोग, 4/3 कॉसेक के बाद कॉट निकालना है तो कॉट थीटा, कॉसेक बाद कॉट निकालना है तो कॉट थीटा, देखिए आपका क्या होता है, टेन का उल्टा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है, बेस अभी मैंने निकाला है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 3, ठीक है। कॉट निकाल लिया, सेक भी निकालना है मुझे, तो सेक निकालने के लिए, सेक थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सेक थीटा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि वापस से इसी रूल में जाते हैं, और जो कॉस है, कॉस का उल्टा होगा कॉस, ये देखो हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस कितना है इसका 4, बेस कितना है अभी निकाला मैंने अंडर रूट का 7, ठीक है, 4/7। फिर ये सारी के सारी वैल्यू हम लोग एलएचएस में रखते हैं,
LHS, अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस का वन। ठीक है, तो इसमें ये वैल्यू उठा के पुट अप करते हैं। रखिए जरा, कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका 4/3 का होल स्क्वायर माइनस का कॉट, कॉट कितना है आपका अंडर रूट 7/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर से ये पूरा अंडर रूट में आएगा और ये नीचे क्या लिखा हुआ सेक, सेक की वैल्यू कितनी है 4/√7 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस का वन, स्क्वायरिंग खोल दीजिए, अंडर रूट वैसा ही के वैसा रहेगा अभी। ठीक है, स्क्वायरिंग 4/4 = 16, 3/3 = 9, माइनस का ये हो जाएगा अंडर रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 बचेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा। ऐसे यहाँ नीचे भी करेंगे 4/4 = 16 / √7 हट जाएगा तो 7 हो जाएगा माइनस का 1। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ऊपर 9 LCM है, अंडर रूट सेम रहेगा एज इट इज़, 9 आ जाएगा आपका, तो 16 माइनस का 7 अपॉन 16 माइनस का 7 अपॉन 7। ठीक है, तो देखिए ये चीज़ सेम है, अगर चाहो तो यहाँ से सीधे काट दो, कट हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, या ऐसे भी कर सकते हो आप कि इसको थोड़ा सा बदल के यानी माइनस कर दो तब निकलेगा। ठीक है, अब क्या है आपको पता है कौन सी वैल्यू कहाँ जाती है, तो ये इस तरीके से जाएगी, तो ऊपर चला जाएगा 7, नीचे आ जाएगा 9। अभी मैंने कहा a अपॉन b होगा तो दोनों में अंडर रूट अलग अलग डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से है ना, इस तरीके से अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, तो करेंगे आप लोग, अंडर रूट का 7 अपॉन अंडर रूट का 9 ये अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। 9 का अंडर रूट आप लोग जानते हो कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, तो ये √7/3 ये एक आंसर हो गया। अच्छा, इसी क्वेश्चन को करने का एक ही बहुत ही सिंपल तरीका है, क्या करना कुछ नहीं है, यहाँ तक आपने किया है, इसी क्वेश्चन को करने का एक छोटा सा एकदम इतना सा मेथड है। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक तरीका जो आपको टीचर सिखाते हैं, लेकिन मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ, इसी क्वेश्चन को कैसे आप शॉर्ट में कर सकते हैं वो बताने वाला हूँ। ये स्टेप चालू की, देखिए ज़रा ये स्टेप, अगर जब आप लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे आगे और थोड़ा सा, तो आपको कुछ फॉर्मूले कुछ प्रॉपर्टीज़ पता चलेंगे। ठीक है, क्या जैसे यह लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है देखिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस का वन। ठीक है, तो ये वैल्यू पता चली, ये वैल्यू पता होने के बाद हम लोग करना क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, मैं फॉर्मूला बता दूँ, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बता दूँ तो ये वन होता है। और अभी मैंने कल भी एक फॉर्मूला बताया था कि अगर कभी सेक स्क्वायर थीटा माइनस का वन लिखा हो तो उसको टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ करेंगे, आके अंडर रूट रहेगा। देखिए इतना लंबा चौड़ा सवाल मैं दो लाइन में आपको करके दिखा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ अगर आपको ये दो फॉर्मूले पता होंगे, क्योंकि आगे आने वाली एक्सरसाइजेज में यही फॉर्मूले मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो होगा क्या कि इसकी वैल्यू वन हो जाएगी सेक स्क्वायर और माइनस का वन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का वन, ये टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगी, अंडर रूट लगा दीजिए, ये वन अपॉन टेन थीटा हो जाएगी। ओके, अभी क्या करने वाले हैं हम, देखिए ज़रा वन अपॉन टेन थीटा, अब यहाँ देखिए ज़रा मैंने टेन थीटा की वैल्यू तो निकाली नहीं है, लेकिन आपको पता है टेन की वैल्यू जो होती है कॉट का अपोजिट होती है, कॉट की जो वैल्यू है, तो टेन की वैल्यू मैं यहाँ निकाल ले रहा हूँ, हो जाएगी 3/√7, वहाँ पर रख दीजिए। या ऐसा भी कर सकते हैं, 1/10 जो है आपका कॉट होता है, क्या होता है कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा की वैल्यू यहाँ सीधी रख सकते हैं आप लोग, क्या √7/3। देखिए कितना सिंपल कर दिया मैंने आपके लिए, ठीक है, मात्र दो तीन स्टेप में मैंने कर दिया। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री सब पढ़ते हैं, सभी लोग लगाते हैं, लेकिन वो तरीका चुनिए जिससे आपके माइंड का विकास हो सके, आप 10 तरीके से सोच सके कि ट्रिग्नोमेट्री में आप किस लेवल तक सॉल्व करने की आपके अंदर कैपेसिटी है। ठीक है, वरना करते रहिए ऐसे पुराने मेथडों से। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं
क्योंकि आप अभी ट्रिग्नोमेट्री जब पूरी पढ़ के जाएंगे तो आपको चैप्टर वाइज ये नहीं बताया कि इस चैप्टर का है तो इसमें ये फार्मूला नहीं लगाना है। आपका माइंड जहाँ पे अप्लाई हो रहा है वहाँ पे वो फार्मूले अप्लाई करके कैलकुलेशन करिए, ठीक है, इस तरीके से सॉर्ट करिए, तो वही आंसर है, देखिए वही आंसर है और सिंपल सा सॉल्व हो गया। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट आगे के पार्ट में। तो चलते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है इफ साइन थीटा इक्वल्स टू ए बाई बी तो क्या करना है आपको, उसका शो दैट, दिखाना है, क्या शो करना है, प्रूफ करना है, दिखाना है क्या, शो दैट sec थीटा प्लस का tan थीटा दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट बी प्लस ए अपॉन बी माइनस का ए। sec थीटा प्लस का tan थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट बी प्लस का ए अपॉन बी माइनस का ए, अंडर रूट बी प्लस का ए अपॉन बी माइनस का ए, ठीक है। तो ये आपको प्रूफ करना है, कुछ नहीं है, सिंपल सा वही फंडा, वही ट्रिक, वही चीज़ें अप्लाई करते चले जाइए तो जो पूछा है ये वही निकल के आ जाएगा आपका, ठीक है, वही निकल के आ जाएगा जो पूछा है यहाँ पे, ठीक है। करना क्या है, सिंपल सा पहले साइन का मतलब समझिए, साइन क्या होता है, ए बाई बी दिया हुआ है लेकिन होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ओके। फिर इसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग फॉर्म करेंगे, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, परपेंडिकुलर आपका ए दिया हुआ है, हाइपोटेनस आपका बी दिया गया है, तो फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनस आपका बी दिया हुआ है तो बी स्क्वायर परपेंडिकुलर आपका ए दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस का बेस, बेस का स्क्वायर, ठीक है, निकलेगा हमारा बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर। अगर बेस की वैल्यू की बात करें तो ये इधर स्क्वायर आ जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई। फिर इसके बाद सेक निकालना है, तो सेक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए कॉस का अपोजिट होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस कितना है आपका बी, बेस कितना है आपका, बेस अभी मैंने निकाला है अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है। सेक थीटा हो गया, सेक थीटा निकालने के बाद फिर अभी हम लोग क्या निकालना है, टेन थीटा, टेन थीटा निकालना है, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस करते हैं, तो परपेंडिकुलर ये है अपॉन बेस, बेस कितना है अभी ये निकाला अंडर रूट का बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। एलएचएस ले लीजिए, एलएचएस क्या हो जाएगा, एलएचएस में सेक थीटा प्लस का टेन थीटा है, ठीक है, सेक थीटा प्लस का टेन थीटा है तो बी अपॉन बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ए अपॉन अंडर रूट का बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है, एलसीएम दोनों में सेम हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, इससे कैंसिल आउट हो गया, बचा बी प्लस का ए। अब देखिए ज़रा यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात है, क्या यहाँ पे लिखा हुआ है आपका ऊपर बी प्लस का ए, नीचे लिखा हुआ है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, लोग आके स्टूडेंट आके यहीं पर फंस जाते हैं, क्या करना है, एक्चुअली में ये और ये दोनों ही वैल्यू सेम है, ठीक है, ये दोनों ही वैल्यू सेम है, तो कैसे सेम है, क्या है, क्यों है, मैं आपको करके दिखाता हूँ ज़रा कैसे सेम है, मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए ज़रा, कल मैंने एक फार्मूला बताया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस का बी, ये होता है कि नहीं, तो यही इसको भी ओपन करना, बस इसमें फ़र्क क्या है, बी आगे है ए पीछे है, ठीक है, तो बी प्लस का ए और बी माइनस का ए, ठीक है, ये ओपन करेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, आपको पता है कि टू जो होता है वो दो प्रकार के अंडर रूट, यानी अंडर रूट टू और अंडर रूट टू के मल्टीप्लाई से मिलकर बना होता है, यानी अगर हमारा बी प्लस ए की बात करी जाए तो बी प्लस ए, इसकी भी बात करी जाए तो ये भी आपका बी प्लस ए अंडर रूट का इंटू बी प्लस ए अंडर रूट का, इससे मिलकर बना होगा, बना होगा कि नहीं, तो वही चीज़ है, मैं इसकी जगह पर उठा के इसको रख सकता हूँ, तो यहाँ पर रखिए
क्या हो जाएगा, अंडर रूट का बी प्लस का ए और दूसरे ब्रैकेट में अंडर रूट का बी प्लस का ए। ओके, नीचे वैल्यू आ जाएगी बी प्लस का ए और बी माइनस का ए। इसको अंडर रूट दोनों में चाहे तो अलग अलग लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये तरीका होता है, ये मेथड होता है। अब देखिए ज़रा ऊपर और नीचे, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन ही होता है दोनों के बीच में, ठीक है। ये देखिए सेम वैल्यू थी, मैंने कैंसिल आउट कर दिया, बचा हमारा बी प्लस का ए और अंडर रूट में बी माइनस का ए। इसको इसको एक साथ लिखना चाहे, इसको एक साथ लिखना चाहे तो एक साथ अंडर रूट में ये लिख देंगे और ये आपका आरएचएस हो जाएगा। सेवेंटीन नंबर, इफ कॉस थीटा इक्वल्स टू 3/5। ओके, तो शो दैट, आपको शो करना है, शो दैट क्या शो करना है, साइन थीटा माइनस का कॉट थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन टू टेन थीटा। ओके, इक्वल्स टू क्या दिया गया है, 3/160। ओके, तो करना वही है, क्या करना है कि सिंपल सा वही फंडा लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। और सबसे पहले कॉस पता कर लेते हैं, कॉस होता क्या है, कॉस आपका क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो बेस आपका कितना है, बेस थ्री, हाइपोटेनस कितना है, 5। परपेंडिकुलर आपका पूछा है तो निकालना है मुझे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर निकाले। हाइपोटेनस आपका दिया हुआ है, ये देखिए 5 दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपका नहीं दिया है, बेस आपका दिया हुआ है, निकाल लीजिए 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। इसको इधर ले लीजिए, 25 माइनस का 9 इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। माइनस कर दीजिए इसको, 16 इक्वल टू पी स्क्वायर, पी इक्वल टू 4। तो परपेंडिकुलर आपका कितना है, 4 आने के बाद परपेंडिकुलर, यहाँ पे साइन कॉट और टेन तीनों की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। ओके, कॉस दिया हुआ है तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना निकला आपका, 4, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कितना है, 5, ठीक है। उसके बाद कॉट थीटा, कॉट आपका इसका उल्टा हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है, बेस आपका 3 है, परपेंडिकुलर कितना है, 4। टेन निकाल लीजिए, टेन थीटा इसका अपोजिट हो जाएगा, 4/3, उठा के रख दीजिए इसमें आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका एलएचएस में आपका साइन थीटा माइनस का कॉट थीटा अपॉन टू टेन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या है, साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 4/5 माइनस कॉट थीटा 3/4, 2 × 10 थीटा, 10 थीटा की वैल्यू 4/3। कैलकुलेट कर लीजिए इसको, 4 और 5 को कैलकुलेट करिए, कैसे करेंगे, 20 आएगा एलसीएम, 4, 5, 4 जा 20, 4, 4 जा 16, माइनस 4, 5 जा 20, 5, 3 जा 15, 4, 2 जा 8/3, ये यहाँ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ऊपर माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1, उसी के बगल में कितना आ गया आपका, 3 आ गया, ठीक है। और इसके बगल में आ गया 20 × 8, ऊपर 3 हो जाएगा, नीचे 160 हो जाएगा, जो कि आपका आरएचएस हो जाएगा। यस, यही वो तरीका है जिससे क्या कहते हैं, एक्सरसाइज 10 को आपको लगानी है। मैं आपके कोशिश करूंगा कि एक एक क्वेश्चन तक बताऊंगा, जैसा कि मेरी बुक में 35 क्वेश्चन है, इसमें मैं डेली का डेली ढेर सारे क्वेश्चन लेकर आऊँगा।